वेलकम टू यूनिगर्व स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग रेमिटो नाम का एक पीएसपी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने वाले हैं, जो इसके बाद आप लोग परचेस कर सकते हो कैटकॉन से। आप लोग यहां पर देख सकते हो रेमिटो एक कंप्लीट रेमिटेंस सॉल्यूशन। तो अगर आप लोगों का रेमिटेंस वेबसाइट क्रिएट करना है तो इस स्क्रिप्ट को परचेस कर सकते हो। और ये जो स्क्रिप्ट है, इसका सेल आप लोग देख सकते हो 100+ यहाँ पर सेल हो चुका है। और इसका जो रेगुलर लाइसेंस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो $49 है। और इसका एक्सटर्नल लाइसेंस भी है। अगर आप लोग रेगुलर लाइसेंस परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक्सटर्नल लाइसेंस भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो डिटेल्स वगैरह है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और इसका जो लाइव प्रीव्यू है वो देखने के लिए यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में क्लिक कीजिए तो इसका लाइव प्रीव्यू ओपन होगा। और इसके अंदर क्या क्या फीचर है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये सारा चीज़ें आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। देखने के बाद यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को परचेस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट गेटवे है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पर पेमेंट गेटवे दिया हुआ है, ठीक है। जो पेमेंट गेटवे अच्छा लगे वो पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद आप लोग इसको अगर अच्छा लगे तो परचेस कीजिए। और इसका जो यहाँ पर जो डेमो है वो भी ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर किसी को मनी सेंड कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग कंट्री व करेंसी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जो करेंसी से आप लोग यहाँ पर डॉलर सेंड करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक करके, ठीक है। तो ये जो साइट है ये कैसे वर्क करता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और इस स्क्रिप्ट को अगर आप लोग परचेस किए हो, इंस्टॉल करना नहीं जानते हो तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले इसको परचेस कर लीजिए, परचेस करने के बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अभी हम लोग जिप फॉर्मेट में है, इसको हम लोग करेंगे अनजिप। तो अनजिप करने के लिए राइट बटन क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक कीजिए, ओके में क्लिक कीजिए, ये फाइल हमारा अनजिप हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा जो फाइल है वो अनजिप हो चुका है। अभी हम लोग इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगा। डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर कैसे इसको इंस्टॉल करना है वही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर SQL फाइल के अंदर ये हमारा जो डाटाबेस है उसके अंदर इनपुट कर देना। और यहाँ पर हमारा जो फाइल .zip है इसको हमारे जो सर्वर है उसके अंदर अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हमारा जो सर्वर है उसके अंदर अपलोड करते हैं। सर्वर के अंदर अपलोड करने के लिए हम लोग आ जाते हैं हमारे cPanel के अंदर। और यहाँ पर हम लोग जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद यहाँ पर जाते हैं पब्लिक HTML में और यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और हमारा जो फाइल है उसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फाइल को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और ये जो फाइल है ये हमारा अपलोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है ताकि हमारा जो फाइल है वो कम्प्लीटली अपलोड हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा 100% अपलोड हो चुका है। तो हम लोग गो बैक में जाएंगे, गो बैक में आने के बाद यहाँ पर हमारा फाइल मिलेगा। तो इस फाइल को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अनजिप करने वाले हैं। तो राइट बटन क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक में क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक फाइल में क्लिक कीजिए। तो ये फाइल यहाँ पर अनजिप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा ऑफकोर्स। ओके, सारा फाइल यहाँ पर अनजिप हो चुका है, इसको क्लोज कर देना, ठीक है। सारा फाइल यहाँ पर अनजिप हो चुका है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जो डोमेन है इसको ओपन करते हैं। आपका डोमेन स्लैश इंस्टॉल लिख कर इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेक रिक्वायरमेंट में क्लिक करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। चेक रिक्वायरमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सारा कुछ हमारा सही है। उसके बाद यहाँ पर चेक परमिशन में क्लिक करते हैं और ये सारा फोल्डर को हम लोगों को परमिशन देना होगा। यहाँ पर बूटस्ट्रैप, कैश, स्टोरेज, ऐप, फ्रेमवर्क और लॉक को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर परमिशन देते हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर जाते हैं और इस कैश को परमिशन देते हैं। क्या परमिशन? 775, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 775 परमिशन देंगे, यहाँ पर 775, ओके। उसके बाद हम लोग स्टोरेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पर स्टोरेज और यहाँ पर एप्स को परमिशन देना है और यहाँ पर हम लोग फ्रेमवर्क इसको भी परमिशन देते हैं और यहाँ पर लॉक, ठीक है, लॉक को भी परमिशन दे देना। ओके, सारा परमिशन कंप्लीट, यहाँ पर इसको रीचेक करेंगे। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारा चीज़ यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेटअप प्रोडक्ट के अंदर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सेटअप प्रोडक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको परचेस कोड देना है। तो हमारा जो परचेस कोड है वो हम लोग डाल देते हैं।
ओके पर्सेस कोड डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर हमारा ईमेल डाल देते हैं। ओके ईमेल भी डाल दिया है, उसके बाद डाटाबेस। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, डाटाबेस क्रिएट करना होगा। तो चलिए डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं हमारा सीपीएल के अंदर, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे माई एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा अगर करना है तो यहाँ पर देख सकते हो माई एसक्यूएल डाटाबेस, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपका जो डाटाबेस है उसका नाम देना है और आपका जो डाटाबेस है वो क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्रिएट न्यू डाटाबेस, यहाँ पर आपको डाटाबेस को क्रिएट करना है। तो हम लोग एक डाटाबेस का नाम देते हैं, ठीक है, यूनिक ओएफ, हम लोग इसी नाम से हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं यूनिक ओएफ, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस में क्लिक करते हैं। तो ये जो डाटाबेस है ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी ये जो डाटाबेस है इसका एक यूज़र हम लोगों को क्रिएट करना होगा, और ये जो यूज़र और डाटाबेस है दोनों को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डाटाबेस का यूज़र क्रिएट करते हैं। गो बैक में क्लिक करते हैं, हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग डाटाबेस का यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो माई एसक्यूएल यूज़र, ठीक है, एडेड न्यू यूज़र। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम देंगे, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं सेम नेम देता हूँ, यूनिक ऐप यूज़र लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम लोग समझ सकते हैं कि ये यूज़र है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर देना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको देना है, तो इसलिए हम लोग पासवर्ड जनरेट करने वाले हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर पासवर्ड जनरेट में क्लिक करते हैं, और ये जो पासवर्ड हम लोग को दिया है ये अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो जनरेट पासवर्ड में क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड चेंज होता रहेगा। ठीक है, जो पासवर्ड आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड यहाँ से आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो इस पासवर्ड को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आई कॉपी यहाँ पर क्लिक करते हैं और यूज़ पासवर्ड में क्लिक करते हैं, और ये जो पासवर्ड है सबसे पहले ये पासवर्ड को हम लोग यहाँ पर सेव करके रखते हैं। ठीक है, इसको सेव करके रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट यूज़र में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट यूज़र में क्लिक करता हूँ और ये जो डाटाबेस यूज़र है ये हमारा क्रिएट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद गो बैक में जाते हैं। ठीक है, गो बैक में जाने के बाद हम लोग ये जो डाटाबेस क्रिएट किया है ये डाटाबेस और यूज़र को कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा डाटाबेस यहाँ पर है और यहाँ पर कोई भी यूज़र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यूज़र को क्रिएट कनेक्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे एडेड यूज़र टू डाटाबेस। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो यूज़र है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और ऐड में क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑल में क्लिक करना, मेक चेंज में क्लिक करना। ठीक है, तो ये रहा आपका जो डाटाबेस और डाटाबेस यूज़र कनेक्ट हो चुका है। अभी हम लोग ये दोनों को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम लोग हमारा जो नोटपैड है इसके अंदर सेव करके रखते हैं। ठीक है, ये दोनों हम लोग सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमारा जो डाटाबेस और डाटाबेस यूज़र है एक क्रिएट कर लिया है। ओके, डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर पी एस पी माई एडमिन यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर एक फाइल हम लोग आपको दिखाया था यहाँ पर एस क्यू एल फाइल, इस फाइल को हम लोग इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो डाटाबेस है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्विच फाइल में क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर इस इंस्टॉल फाइल को हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्ट में क्लिक कर देते हैं, तो ये जो फाइल है ये हमारा इम्पोर्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये हमारा इम्पोर्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डाटाबेस होस्ट के अंदर इसको कट करते हैं और यहाँ पर डालते हैं लोकल होस्ट, उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस पोर्ट इसको यही रहने देते हैं। डाटाबेस नेम के अंदर यहाँ पर हम लोग डाटाबेस नेम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं, उसके बाद डाटाबेस यूज़र नेम, तो ये रहा हमारा डाटाबेस यूज़र नेम, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद डाटाबेस पासवर्ड को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग डाल दिया है, उसके बाद प्रोसेस में क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रोसेस में क्लिक करते हैं। प्रोसेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सक्सेस, योर प्रोजेक्ट हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल। अभी हम लोग कंटिन्यू में क्लिक करते हैं और हमारा जो वेबसाइट है वो हमारा सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर लोड ले रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, हमारा वेबसाइट यहाँ पर लोड ले लिया है और यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का हमारा वेबसाइट है। इसको आपको कस्टमाइज करना होगा,
अपने हिसाब से, यहाँ पर इमेज वगैरह आपका लगाना होगा और ये सारा चीज़ें आपको चेंज वगैरह करना होगा, ठीक है। आपका डिटेल्स जो भी है वो डिटेल्स वगैरह देना होगा, आपका कंपनी डिटेल्स, यहाँ पर फुटर वगैरह, ये सारा चीज़ें आपको सेट करना होगा। तो ये सारा चीज़ें अगर आप लोग सेट करना नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो यूनिक वेब स्किल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।